कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में सभी एसडीएम और आरआरटी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडिशनल सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल मीटिंग में जिलाधिकारी ने कहा कि जिस क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है वहां आरआरटी जाकर जांच करेगी तथा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेगी। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा आरआरटी अभियान की जान है, ये टीम कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण कर सकती है। पैरामीटर देख ले, उससे पेशेंट की क्लिनिकल मैनेजमेंट और क्लिनिकल स्टडी की करके उसको सही सलाह दी जा सकती है, कोविड को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो आप सबका रोल बहुत क्रिटिकल है, पेशेंट्स को गाइड करिए और पेशेंट को मोटिवेट भी करिए, क्योंकि कई साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आ रही है कोरोना के कारण, ये रोल भी आपको प्ले करना है। बहुत भगवान ने एक सेवा का मौका दिया है, हम सबको सेवा भावना से काम करनी है। ये सोच लीजिए ये बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी काम करने का समय है। ये कोई आम इशू है, वैसे तो हम लोग रोज फॉलो करते, उसी का हाईलाइट करना मुझे। एक तो आरआरटीज है, जो कितने आरआरटीज है उसको दोगुनी करनी है, उसको तो हम कल से असाइनमेंट में लगे हुए, संभवतः आज तो कुछ फॉर्मेशन हो गया होगा इसमें। देखिए 38 टीमें अभी फिलहाल प्रचलित है, शहर का अंदर 13-15 टीम काम कर रही है और बाकी तो ग्रामीण इलाका में है। इसमें क्या है, आरआरटी टीम का औसत 73 लोग नहीं तो 75 लोग के बीच में देखना पड़ रहा पर डे, वो असंभव है, इसलिए हम लोग टीम को दोगुना करा दिए। अभी तो हम लोग के पास अभी तो यदि तकरीबन 70 नहीं तो 75 टीम होगा, तो फिर औषध हम 25 मरीज को एक एक आरआरटी को दे रहे हैं, और 25 मरीज देखना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। बट इंश्योर करिए वो ऐप है, उनको प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से वो कर ले, यानी जो आरआरटीज कितने हैं वो आरआरटीज एमओआईसी के डिस्पोजल में रहेंगी, ताकि जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्स एमओआईसी है हमारा, यानी जो मेडिकल डॉक्टर पीएससी सीएससी में बैठे हैं वही तो पहले उपचार देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उनका कहाँ रेफर करना सारे करेंगे। और आरआरटीज वो अतिरिक्त हम गठन कर रहे हैं, खासतौर पर जो इलाका चरगावा है और शाहपुर है, गोरखनाथ है, इसी इलाका में कहाँ जो पहले ज़्यादा मरीज है, संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भविष्य में भी बढ़ने के लिए संभावना ज़्यादा है, वो कल से आपके डिस्पोजल में रहेंगे। खासतौर पर आयुष डॉक्टर इस पर है, और आप कहाँ कहाँ डॉक्टर नहीं है, फार्मेसिस्ट का हम लोग रखे हैं, इनके डिटेल आप एमओ इसे आप कलेक्ट कर लें, सीएमओ साहब शायद लाइन पे हैं, वो आपका रात तक दे देंगे। उम्मीद करेंगे कल से ये टीम प्रचलित में हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। ये देखिए आरआरटी इसी अभियान का जान है, मेन जो है फोकस हम आरआरटी कितने सक्रिय करते हैं, कितने मजबूत करते हैं, उसी हिसाब से आरआरटी रिएक्ट कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कुल 38 आरआरटी में काम कर रही हैं, जो 25 ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 13 अर्बन क्षेत्र में हैं। अर्बन क्षेत्र में 13 हैं, सर उसको हमको 23 करना है, हर अर्बन ब्लॉक में एक हम दे लें तो 13 को हमको 23 करना है अर्बन क्षेत्र में, जिसके लिए हमें सब की आवश्यकता है। इसमें से 4 चिकित्सक मुझे सर आयुष विभाग से मिल जा रहे हैं सर, और 6 चिकित्सक हम लोग जो टीम अर्बन में काम कर रही है, एक टीम में 2 लोग हैं, 2 डॉक्टर हैं, उनको स्प्लिट करके हम लोग ये 10 एक्स्ट्रा टीम अर्बन में दे रहे हैं सर।